AIMIM जिला अध्यक्ष हाजी मोइनुद्दीन को AIMIM पार्टी ने कानपुर कैंट से प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने पत्रकारों के बीच अपनी बात रखते हुए कहा कि सभी पार्टियां वोट लेने के बाद अपने हित में काम करती हैं तथा जनता के हित में कोई भी काम नहीं करता। सभी पार्टियों पर जोरदार तंज कसते हुए कहा कि बस पार्टियां बड़े बड़े सपने दिखाने का काम करती हैं और फिर रफू चक्कर हो जाती हैं। चलिए हम बात करते हैं हाजी मोइनुद्दीन जी से और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। आप देख रहे हैं कानपुर से नसीम अहमद के साथ नफीस अहमद की रिपोर्ट। AIM ने हमको प्रत्याशी घोषित किया है क्योंकि हम लोग काम करने वाले क्या काम करने वाले जमीनी स्तर पे, और आज तक जो हमारे बीच में नेता रहे हैं केवल मेरा वोट लिया है, सपोर्ट लिया है, मेरे लिए कुछ किया नहीं। तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो उनका मिशन है कि जो भी AIM का लीडर होगा, विधायक होगा, वो जमीनी स्तर पे काम करेगा, अन्यथा वो AIM का लीडर नहीं होगा। तो हम लोग जमीनी स्तर से काम करेंगे, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं कि अभी तक अल्लाह के फजलो करम से ऐसा लीडर हमें नहीं मिला जैसे मेरे असद साहब हैं। पूरे इंडिया में उनके बराबर का कोई लीडर नहीं है। जनता से हमारा एक निवेदन है कि जनता हमें इस बिहार पे चुने कि जो पढ़ाई की जो बात है, जैसे हमारे वहाँ हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज है, इसका कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ उसको बेचा जा रहा है। हमारे वहाँ शिक्षा की बहुत कमी है, हमारे वहाँ बच्चों के खेलने के ग्राउंड की कमी है, हमारे वहाँ जच्चा बच्चा अस्पतालों की कमी है। तो हमारा सारा ध्यान इसी सब चीज़ों पे रहेगा जो हमारी मूलभूत चीज़ें हैं, जो लोगों को रोज़गार चाहिए हमें उसके लिए काम करना है। यहाँ पे लोग कमेलिया देखिए बंद करवा दिया गया, उस कमेले को चालू करने के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, जबकि उससे 20,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, लोग रिक्शा चला रहे हैं,